तब आपसे कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही थी। बताइए सर कि इस समय आप निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बना रहे हैं? पिछली बार आपका शॉर्ट करने का व्यू था, अभी भी आपके चार्ट से ही कह रहे हैं कि कोई मौका मिले तो आप शॉर्ट का ध्यान बनाएं। देखिए, अगर मेरी चार्ट आज आपके स्क्रीन पर दिख रही है तो हम ये लोअर सपोर्ट लाइन को कल तोड़ चुके और आज की सवेरे की व्यापक ओपनिंग और रैली के बाद उसके नीचे हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये 15% करेक्शन की पार्टी तो अभी जस्ट शुरू हुई है। और अजय जी, एक अनुरोध है, अप्रिसिएशन भी है। पिछली अपनी वार्ता को आपके चैनल ने थोड़ा अच्छा रूप दे दिया और मेजर मार्केट टॉप और 5000 पॉइंट बैंक निफ्टी का करेक्शन, उसको सुन के सोशल मीडिया पे जिस तरह की आक्रामकता लोगों के मन में आ गई, भाई 10-11% का ही तो करेक्शन होता है अगर 2000 पॉइंट निफ्टी घटेगी और उसको सुन के भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका भी एक टेक्निकल एनालिसिस में मतलब निकलता है कि जिसको जितना माल लेने की क्षमता थी लिया जा चुका है और अब डेफिनेटली बाजार टॉप लगता है फॉर द टाइम बीइंग। पर ये 10-11% के करेक्शन एक लंबी अवधि की तेजी में तो कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ शिष्टाचार हेतु तकरीबन 2000 पॉइंट निफ्टी का करेक्शन कहा था, हो सकता आने वाले दिनों में मैं उसको बढ़ा के 3000 पॉइंट का करेक्शन कर लूं। तो अब मोरलेस ये लार्ज कैप्स में बहुत ही कोई रेयर चुनिंदा जो 2-4-5 शेयर्स बचे होंगे एफएंडओ में जिनकी अभी भी फाइनल टॉपिंग आउट की लास्ट लास्ट मूवमेंट ऊपर की चल रही है, बाकी सारे के सारे थक चुके हैं और बहुत सारे तो टूट चुके हैं। तो अब एक बार मार्केट को विराम मिल रहा है और उसकी शुरुआत हो गई है। बहुत बढ़िया, आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। कोई स्पेसिफिक बड़े आइडियाज आप शेयर करना चाहेंगे लार्ज कैप यूनिवर्स में से, जिसको ट्रेडिंग के तौर पर शॉर्टिंग आइडियाज के तौर पर हमारे व्यूअर्स यूज कर सकें? सर देखिए, जिन चीजों में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए और फिर भी बेच देना चाहिए उनकी लिस्ट छोटी है। तो जैसे हमने एफएमसीजी में तेजी आपसे बार बार डिस्कस की, अब नेस्ले ब्रिटानिया कोलगेट मुनाफा खाइए निकल जाइए, वो शॉर्ट करने के स्टॉक्स नहीं है। बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व शॉर्ट करने के स्टॉक्स नहीं, मुनाफा खा के निकल जाइए, लेने के स्टॉक्स तो कुछ भी नहीं दिख रहे। ओएनजीसी को आप मत शॉर्ट कीजिएगा, भी हो सकता है 135 जाने के बाद ही वापस 200 की चाल आ जाए। पर सारे के सारे बैंक्स, लार्सन एंड टूब्रो, इवन डीएलएफ का नंबर आने वाला है, तो ये जितने भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है, ऑटोस, बैंक्स और रियल एस्टेट के जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, गॉडरेज प्रॉपर्टीज में बेतहाशा तेजी में थे, 40% की मूव आ गई, अब उसको भी बेच दीजिए। तो जो जी में आए बेच दीजिए, लार्ज कैप स्टॉक्स में से पछताएंगे नहीं। ठीक है सुशील जी, बैंक्स फाइनेंशियल्स में लार्ज कैप पर तो आपने टच बेस किया, मिड कैप बैंक्स फाइनेंशियल्स को आप कैसे देख रहे हैं? 10-15% का करेक्शन अगर उनमें आएगा तो दोनों हाथ से लेने के लिए इंतजार करेंगे, हम उनको बेचेंगे नहीं, क्योंकि अगली तेजी में मुझे लगता है स्मॉलर बैंक्स में सुपरलेटिव आउट परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ आएगा। सुशील, ऐसे में फिर क्या ऑटो में भी थकान दिख रही है आपको? ऑटो स्पेस तो लगातार नए हाई बना रहा है, इनफैक्ट पूरा ऑटो इंडेक्स ही आप बात करें तो। देखिए, ये जो अगर नया हाई लेने का कारण होता तो फिर अगले दिन एक और नया हाई आना चाहिए, उससे तरफ तो स्टॉक मार्केट इंफिनिटी पे चला जाएगा। न्यू हाई न्यू लो इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स, 10 चीजों में से एक चीज हाई लो को भी देखा जाता है। तो सिर्फ न्यू हाई से अगर हम डर गए तो कोई माल ही नहीं बेच पाएगा। तो अब ये जो भी न्यू हाईज है एकदम अंतिम चरण है और कई ऑटो स्टॉक्स ऑलरेडी नीचे चलना शुरू हो चुके हैं जिनमें मारुति मुख्य है, बजाज ऑटो का भी अब नंबर आना शुरू। देखिए कैसे कोटक बैंक एकदम इतना स्ट्रांग लग रहा था अचानक लुढ़क गया, तो उसी तरह से ये न्यू हाईज लुढ़कते हैं। तो न्यू हाई हो या ना हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ऑटो बेचना है। मेरी चार्ट पे न्यू हाई का 2% भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है, 5% इंपॉर्टेंस कोई लगा ले तो लगा ले, न्यू हाई अपने आप में कोई मंत्र नहीं है। सुशील जी, आपसे जाते बाद मैं आपसे एक ग्लोबल व्यू भी लेना चाहूँगा इस पूरे सीन ऑफ थिंग्स में, आपको डाउ और नैस्डैक के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, वो डेट सीलिंग को लेके जो वहां पे इमोशनल एक सेटअप बना हुआ है, तो इमीडिएटली आज के आज उसपे कोई बड़ा कॉल लेके मतलब नहीं है। 2-3% की आप एरर हो सकती है क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट्स है, क्या पता वो एक बार स्क्वीज हो जाए, बट अगर आप 3 महीने का व्यू लेंगे तो मुझे वहां पे भी 15-20% की करेक्शन नजर आती है। अगले 4 दिन की मैं बात नहीं करना चाहता, 3 महीने मेरे को 20% नीचे दिखते हैं। ओके, ठीक है। और राइट सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे व्यू हमारे साथ शेयर करने के। तो मिड कैप पीएसयू बैंक्स, मिड कैप बैंक्स में एटलीस्ट आपको कहीं मौका दिखेगा, आप लेंगे यहाँ पर से। अदरवाइज तो सब जगह थकान, सब जगह थकान ही दिख रही है। पहले 20,000 घटेगा उससे पहले, ज्यादा लास्ट टाइम की उन कन्वर्सेशन, तो आज तो कह रहे हैं कि शायद मैं 3,000 तक का भी व्यू बना दूं। हां, मतलब पहले गिरना शुरू हो जाए, थकान नजर आ रही है बाजार में उनको ओवरऑल, और उसके बाद रिलेटिव बाइंग देखेंगे, पहले घट तो जाएगा।